जनपद में पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों से कुछ लोग उनको कॉल करके उनका अकाउंट नंबर तथा पीपीओ नंबर मांग रहे हैं और उनके अकाउंट से बड़ी रकम उड़ा दे रहे हैं, जिसके संबंध में मुख्य कोषाधिकारी जनार्दन पांडे ने बताया कि कुछ दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोग धोखाधड़ी के उद्देश्य से पेंशनरों को फोन करके उनका अकाउंट नंबर तथा ओटीपी मांग रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोषागार किसी भी तरह के कार्य के लिए पेंशनरों को कॉल करके किसी तरह का डिटेल नहीं मांगता है तथा ना ही फोन पर कोई कार्य करता है। उन्होंने पेंशनरों को आगाह करते हुए कहा कि किसी तरह के कॉल आने पर अपना अकाउंट नंबर तथा ओटीपी या कोई डिटेल ना बताएं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से सावधान रहें, नहीं तो किसी तरह की धोखाधड़ी आपके साथ की जा सकती है। उन्होंने पेंशनरों से अपील करते हुए कहा कि किसी तरह का कॉल आने पर पुष्टि के लिए कोषागार के जारी नंबर पर कॉल करें या कोषागार कार्यालय पर संपर्क करें तथा अपने आप को सुरक्षित रखें और सतर्क रहें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य कोषाधिकारी जनार्दन प्रसाद पांडे ने कहा, ऐसा कई जिलों आई है कि कुछ लोग पेंशनरों से उनके अकाउंट नंबर और ओटीपी के संबंध में कोषागार का नाम लेके फ़ोन करके जानकारी करना चाहते हैं। यह पूरी तरह से फर्जी है। कोषागार किसी भी पेंशनर से लाइफ सर्टिफिकेट या किसी कार्य हेतु संपर्क नहीं करता है। जो भी कार्य होता है कोषागार में आके ही होता है। तो ऐसे लोगों से समस्त पेंशनर कृपया सावधान रहें। किसी भी तरह का अपना अकाउंट नंबर या ओटीपी या अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट किसी भी अज्ञात व्यक्ति को ना बताएं, अन्यथा उनके साथ किसी तरह की धोखाधड़ी हो सकती है आजकल के ज़माने में। तो कोषागार इस संबंध में किसी भी तरह से जानकारी फ़ोन से नहीं प्राप्त करता है, अतः सारे लोग सतर्क रहें। इसको बचाव के लिए क्या किया जाए? जब भी इस तरह से कॉल आता है तो अगर आवश्यकता हो तो कोषागार में फ़ोन नंबर उपलब्ध है, उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोषागार कभी भी फ़ोन करके जो है किसी पेंशनर से अकाउंट नंबर या इस तरह की चीज़ें जानकारी नहीं प्राप्त करता है। और ये सारे जिलों में समस्या आ रही है, पूरे प्रदेश में कई जिलों में आया है। इस संबंध में हर जिले के कोषाधिकारी लोगों ने अपने स्तर से नोटिफिकेशन जारी किया है कि कृपया सतर्क रहें सब लोग।